नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आप अपने मशीन को कैसे टेम्परेचर कम कर सकते हो फ्यूज़र यूनिट का, और उसकी स्पीड, फ्यूज़र ट्रांसपोर्ट स्पीड को कैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो मीडिया के हिसाब से, जो आपका पेपर ग्रामेज होगा उसके हिसाब से। तो ध्यान से देखिए, पहले हम फ्यूज़र की जो ट्रांसपोर्ट स्पीड है उसको चेंज करेंगे। तो उसमें डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 7 और 7, या आप माइनस भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो। ये आपका डिपेंड है प्रिंट क्वालिटी कैसे आपकी आ रही है, क्या आ रही है, उसको आप चेंज करके अपनी प्रिंट क्वालिटी मीडिया को, ग्लोसी को चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने इसमें प्लस माइनस किया। उसके बाद हम जाएंगे फ्यूज़र टेम्परेचर में। तो इसमें फ्यूज़र टेम्परेचर में आप प्लस -20 जा सकते हो और +10 तक जा सकते हो। ये हर एक मीडिया टाइप का आप अलग अलग से सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने इसमें 10 10 प्लस किया हुआ है। इस वजह से किया है क्योंकि हमारे प्रिंट में जो इम्प्रेशन बढ़ रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हमने इसको चेंज किया हुआ है। तो आप फिर टेस्ट मोड देख सकते हो। अभी हम टेस्ट मोड में जा रहे हैं और इसमें एक टेस्ट प्रिंट एक दे देंगे, टेस्ट चार्ट। तो हमने टेस्ट प्रिंट दे दिया, तो प्रिंट आउट आप देख सकते हो। ये डिपेंड है आपकी प्रिंट क्वालिटी कैसी होगी, उसको आप सर्विस मोड में जाके, मशीन में जाके चेंज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूल।